Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome back. Rubina has done marriage program mein. Dekhiye dosto, sardiyan mashallah se dekhte hain ki start ho gayi hain. To dekhiye garmiyon ke muqable mein jo ki hamare paas rishte aaye the to ladkiyon ki tadad zyada thi aur dekhiye agar sardiyon mein dekha jaye to mashallah se kafi khasi dekhiye barish ki wajah se thand ho gayi hai to yahan par bhi dekhiye sardiyon ke season mein bhi mashallah se bahut hi zyada rishte aa rahe hain jo ki aisi bhi ladkiyan hain jinhe sardiyon mein jo ki sochti hain ki unki shaadiyan dekhiye acche mausam mein ho thande mausam mein ho to dekhiye ye rishte hain dekhiye sardiyon ki season mein aaye hain तो ये चाहती हैं कि उनकी शादियां जो हैं अब हों तो ये जल्दी शादी करना चाहती हैं ऐसे रिश्ते हैं जो कि जल्दी शादी करना चाहती हैं ऐसी बहनों के रिश्ते आते हैं तो सर्दियां आ गई हैं सबसे पहले तो आपने अपना ख्याल रखना है और ख्याल बिल्कुल ज़रूर रखना है और रिश्ता जो है आज मैं आपकी हिस्मत में शेयर करने जा रही हूँ तो सर्दियों का जो है हमारा आज का जो है पहला रिश्ता है माशाल्लाह से तो नाम इनका जीनत है उम्र है इनकी देखिए 29 साल कुंवारी हैं इन्होंने शादी नहीं की तो देखिए बात करते हैं मुकम्मल डिटेल लड़की के हवाले से हम आपको बताते हैं रंग सांवला और देखिए हुस्न सलूक है लेकिन बात करते हैं नौकरानी है जी हाँ ये बंगले में काम करती हैं वो इस वजह से करती हैं क्योंकि इनके वालिदैन नहीं है और इनके सगे चाचे ने देखिए जो इनके चाचा हैं उन्होंने देखिए अपनी ही देखिए भतीजी को देखिए नौकरानी बना दिया जी हाँ पैसों की लालच में एक बंगले पर देखिए नौकरानी बना दी है और ये जो है वहाँ से हमारी बहन जो है बेचारी बंगले पर काम करती हैं लगी रहती हैं तो काफ़ी परेशान रहती हैं कि अगर उनके माँ बाप होते तो आज ये इस कंडीशन में बिल्कुल कभी भी ना होती तो अब जो है इनके चाचा जो हैं चाहते हैं कि ये जो है शादी ना करे और देखिए नौकरानी बनकर सारी ज़िंदगी जिए और उनसे पैसे लेकर देती रहे कमा कर देती रहे तो हमारी जो बहन है जीनत जिनकी उम्र 29 साल है ये ऐसा नहीं चाहती कि सारी ज़िंदगी देखिए नौकर बनकर बंगले में काम करती रहे इनके एक भाई हैं जो कि सगे हैं और वो चाहते हैं कि देखिए इनकी बहन की शादी करवा दी जाए देखिए वो आउट ऑफ कंट्री में थे उन्हें अपनी बहन के हवाले से इल्म नहीं था लेकिन अब वो आ गए हैं और वो चाहते हैं कि अपनी बहन की शादी करें बंगले पर देखिए इन्होंने काम करना छोड़ दिया है जो कि पहले डिटेल थी वो मैंने आपको बताई है कि पहले में इनकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ वो मैंने आपको बताया तो जीनत जो है अब जो है शादी करना चाहती है इनके चाचा जो हैं बिल्कुल सही इंसान नहीं हैं पैसों की लालची इंसान है जो कि इनका घर था वो भी देखिए हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनके भाई जान अब आ गए हैं तो देखिए लड़की को भाई के देखिए काफ़ी माशाल्लाह से देखिए हौसला अफजाई हुई है क्योंकि उनके भाई हैं अगर भाई भी ना होते तो देखिए सारी ज़िंदगी जीनत को नौकरानी बनकर बंगले में काम करना पड़ता बहरहाल देखिए अब जो है जीनत के भाई आ गए हैं वो चाहते हैं कि अपनी बहन की शादी धूमधाम से करेंगी क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में देखिए चले गए थे तो वहाँ पर उन्होंने जॉब स्टार्ट किया और माशाल्लाह से अब जो है पाकिस्तान में 2 मंथ के लिए देखिए आए हैं छुट्टियों के लिए तो अब जो है जीनत की शादी करना चाहते हैं और चाचा को भी देखिए उन्होंने समझाया है कि उन्होंने जो कुछ भी किया सही नहीं किया तो ऐसे दुश्मन भी नहीं करते जो कि उनके सगे चाचे ने किया है तो जीनत की अब शादी करना चाहते हैं शादी के लिए अच्छे रिश्ते की ज़रूरत है तो बाकी जो है लड़की में किसी चीज़ की देखिए कमी नहीं है देखिए रंग तो सांवला है मैंने आपको बताया और साथ ही में पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह से मैट्रिक पास हैं पढ़ना लिखना जानती हैं और बात करते हैं कि 29 साल इनकी उम्र है और देखिए पंजाबी हैं जी हाँ पंजाबी स्पीकिंग है तो इस रिश्ते के लिए आप रब्ता कर सकते हैं क्योंकि इनके भाई दो मंथ के लिए आए हैं तो चाहते हैं कि इन 2 मंथ के अंदर अंदर देखिए अपनी बहन की शादी कर दें अच्छे घर में तो शरीफ जो है हमारे भाई जो है इस रिश्ते के लिए आप रब्ता कर सकते हैं बहुत ही अच्छा रिश्ता है खूबसूरत रिश्ता है अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ नए रिश्ते के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़